बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज यूथनेसिया, गुड डेथ। वर्ल्ड यूथनेसिया यूनानी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गुड डेथ, यानी मर्सी किलिंग। जब कोई शख्स अपनी बीमारी या बुढ़ापे की तकलीफ़ों से तंग आकर अपने घर वालों या अपने डॉक्टर को कहे कि अब मुझे नहीं जीना, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का हक दिया जाए, तो जिस प्रोसेस के ज़रिए से इसकी जान ली जाती है इसे यूथनेसिया कहा जाता है। I'm not afraid of being dead. I'm just afraid of what you might have to go through to get there. तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है और डॉक्टर्स उसे कोई मेडिसिन देते हैं और 4 से 5 मिनट में उस शख्स की डेथ हो जाती है। इस फॉर्म में वो हल्फन इकरार करता है कि अब उसे और नहीं जीना या उसे अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना है। तो डॉक्टर्स की एक कमेटी होती है जिसमें उसकी तमाम रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है कि इस पेशेंट को यूथनेसिया का हक हासिल है या नहीं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ये ज़रूरी नहीं कि पेशेंट की मर्ज़ी ली जाए। अहले खाना या उसको देखने वाले ये डिसाइड करते हैं कि ये शख्स कोमा में है या नींद की गोशी में, तो वो पेशेंट की ज़िंदगी का खात्मा कर दें। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें पेशेंट्स और फैमिली की रजामंदी ली जाती है। इन ममालिक में कैनेडा, बेल्जियम और अमेरिका की कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री में यूथनेसिया को जायज़ करार नहीं दिया जाता। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके लीगल और इलीगल होने के लिए दिए जाते हैं और बहुत सारी डिबेट्स का ये हिस्सा रहा है।